मैं कवरजी, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज मैं जो खबर आपको दिखाने वाला हूं उसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर ये बिहार में ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन खबर दिखाने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भाई अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की बटन को ऑल पे क्लिक कर दें। तो आइए जानते हैं वो खबर है क्या। दोस्तों, बिहार के बेतिया जिले से पश्चिमी चंपारण के नाजिम चौक के पास दो बाइक सवार जा रहे थे, जिसे कुछ अपराधियों ने उनके ऊपर रड और बेल से हमला कर दिया, जिसके कारण वो बाइक सवार गिर गए। वहां के स्थानीय निवासियों ने उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे रिपोर्टर तनवीर आलम की एक रिपोर्ट। तहकीक इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, बेतिया पश्चिमी चंपारण के ही मामला है, जो किशनबाग मोहम्मद नगर के रहने वाले ये लोग हैं, ये दो आदमी। आपका नाम क्या है? शहजादा। शहजादा जी, आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज। ये दोनों आदमी, इनका कहना है कि घर से जैसे ही बाइक से निकले हुए थे कि अचानक इनके ऊपर हमला किया गया। कुछ इन्हीं के मैंने जानने वाले चेहरे थे और बहुत सारे कुछ अनजान चेहरे भी थे। अचानक इन लोगों ने हमला किया, इनके ऊपर काफ़ी जानलेवा हमला किया जैसा कि इनका कहना है। और बाकी तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि एक्चुअली हुआ क्या था इनके साथ में। आइए कुछ जानते हैं इनके साथ और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था, इसके पीछे क्या वजह थी। ठीक है, इनके जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम शहजादा है, मैं रहने वाला बनारस का हूँ। मैं मोहम्मद नगर किशन बाग में मेहमान के तौर पर हूँ, मैं वहाँ का दामाद हूँ। ठीक, मैं अपने साले के साथ दिन में एक या दो के बजाय सा लमसम बाइक से बैठ कर जा रहा था दुकान पे, खाना जा रहे थे मार्केटिंग करने के लिए। हाँ, दुकान पे खाना भी देना था, मार्केटिंग भी करना था हमको। उसी दिन बनारस के लिए निकलना था। अच्छा, बनारस का हमारा टिकट बना था उसी दिन का, कल का ही। तो फिर कुछ मार्केटिंग कर लेंगे, दुकान पर खाना भी दे देंगे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो रास्ते में एक नाजिम चौक है, वहाँ पर कुछ लोग मैंने 7-8 लोग 9 लोग बैठे हुए थे, दो दो करके बैठे थे। एक लोग में इनके चचा का लड़का था दानिश, जिसको हम जानते हैं, बाकी आप लोग सब लोग नहीं जानते। वो सब कैप लगा के मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। अच्छा, सबने अपने चेहरे को छुपा के रखा। सबने अपने चेहरे को, वो खुला था, दानिश का चेहरा खुला हुआ था। उन लोगों ने हम लोग पर ना रोका ना टोका ना कुछ किया। जैसे नाजिम चौक पर हमारी गाड़ी गई, उन्होंने हमला कर दिया, राड और बेल्ट से मारना शुरू कर दिया हम लोगों को। हमने दानिश को रोका भी। दानिश ने कहा कि क्या कर रहे हम, तुम्हारे जीजा हैं। उसने कहा जीजा के हमसे कोई मतलब नहीं है, मारना शुरू। हमारे साथ मारपीट तो बहुत की गई और हमारा ये मार दिया गया, फ्रैक्चर हो गया है कंधा। आपका फ्रैक्चर है? ये हमारा पाँव फ्रैक्चर है यहाँ पे। रिपोर्ट अभी आया नहीं है? नहीं, रिपोर्ट आया नहीं है। एक्सरे हम करवाए थे तो एक्सरे से हमने पूछा था कि इसमें क्या रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि आपका कंधा और पाँव दोनों फ्रैक्चर है, लेकिन रिपोर्ट आपको कल सुबह। किस चीज़ से मारे थे वो लोग? राड से मार रहे थे, राड और बेल्ट से। राड और बेल्ट से मारा गया है? आपने देखा, रॉड से भी मारा हमको। बहुत गंभीर मामला लग रहा है। अब देखना है कि रिपोर्ट आने के बाद फिर हम एक बार और आने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में क्या है आपका, प्रशासन इसकी पूरी जांच करेगी। और जैसा कि आप सुन रहे थे, ये हैं शहजाद और ये उस घर के दामाद लगेंगे, लेकिन फिर भी इनके साथ बर्बरियत की गई और इनको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश किया गया उन लोगों। भला हुआ कि वहाँ के कुछ लोग, जो वहाँ के जो निजी लोग रहने वाले थे, कि उन लोगों ने आकर के मौके पर बीच बचाव किया और मौके को संभाला, नहीं तो शायद अनहोनी घट सकती थी इन लोगों के साथ में। आइए, एक और शख्स है जिनको मार लगी हुई है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से, जरा दिखाया जाए। इनके ऊपर भी काफ़ी बेल्ट के निशान आप देख सकते हैं इनके ईंट पर, और देख सकते हैं किस तरीके से निशान है। और ये आपसी रंजिश का मामला है, क्या मामला है ये तो कोर्ट तय, ये प्रशासन का काम है। हम उम्मीद करेंगे प्रशासन इसमें अच्छे से जाँच करे और इस तह तक जाए कि मामला है क्या एक्चुअली। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम, कि हम तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल GNCH में हैं, बेतिया हॉस्पिटल में। आइए हम बात करते हैं इनसे भी कि क्या हुआ था इनके साथ। जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज, क्या हुआ था आपको, कैसा लगा, मतलब किस तरीके से? हम घर से आ रहे थे बाइक से नाजिम चौक पर, वो लोग एक बैग लगा लोग मारने हमको, ना बोला सब ना। पहचानते हैं उनको? हाँ, पहचाने तो है, दानिश इकबाल चाचा का लड़का है। अच्छा, और आदमी को नहीं पहचान। जमीनी विवाद पता चल रहा है क्या? क्या रंजिश थी आपकी?
वो पहले था, पहले का जमीनी का अथी था, तो उसी प्लान बना के मारा। आपसी रंजिश थी, इसकी वजह से इनके साथ मारपीट की गई, बताइए फिर कैसे हुआ, क्या हुआ? वही गाड़ी नहीं रोका सब, उसी पर लगा सब पीटने, बेल्ट से मारा सब, रॉड से मारा सब। फिलहाल अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसा कि आप सुन रहे थे इन लोगों का कहना है कि हम पर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन अभी सर पे भी चोट लगी है, अंदरूनी काफ़ी चोट लगी है, बाहर इंजरी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मामले जांच की मामला है और ये जब रिपोर्ट आएगी मेडिकल रिपोर्ट तो पता चलेगा। अभी इंजरी रिपोर्ट आपके केस दर्ज हुआ है आप लोगों का? केस दर्ज तो चौकी पर हम बयान दे चौकी पर अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन यहाँ का क्या नियम है हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे जांच की, सही जांच करके इसमें क्या एक्चुअली हुआ है इसकी जांच करें जी। बनारस में ऐसी घटना होती तत्काल पुलिस आती, तत्काल गिरफ्तारी होती है। बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है, घटना कानून और लॉ जो है सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, यहाँ पे भी होगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा पैसा भी छीन लिए लोग। क्या पैसा कितना छीना? 4600 रुपया मेरा छीन लिए। छीन-छान भी किया गया? उन्होंने रिपोर्ट में अपने बयान में कहा है, बयान में कहा है। हाँ, जैसा कि कह रहे थे इनके साथ छीन-छान भी हुआ है, इनके साथ आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या इस तरीके से? हुआ है, 10,800 रुपये मेरा भी छिनाया है। आपका भी 10,800 रुपये छिनाया है? मेरा भी 10,800 रुपये छिनाया है। अभी मामले की तह तक जाने की जरूरत है, प्रशासन इसकी जांच करे। धन्यवाद।